وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهليه وتعظمها بالاباء ثم قال الا فلا ترجعوا بعضي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض

को जानने और उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं आज उसी खुतबे में से कुछ बातें और जो हादिय बरहक़ रसूल रहमत सलाम ने हमें अता की हैं पहली बात कि जिसको रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज़ में बयान कुरैश के लोगों बानकुम नकवत अलजहलिया रबुल्जत ने तुम्हारी झूठी नकवत यानी झूठे तकबर को ख़त्म कर दिया है व तज़ुम हाबिल आबा और तुम्हारा अपने आबाजाद पर फख्र करना और उस पर अपने आप को बहुत बड़ा समझना इसको अल्लाह रबुल्जत ने ख़त्म कर दिया है क्रैश को बतौर खास ये जुमला इस वजह से कहा गया कि जिस इलाक़े में ये बात कही गई थी उसमें सबसे ज़्यादा मोतबर कौम और सबसे मोतबर कबीला वो क्रैश और हाशिम ही का था अगरच उसमें दीगर कबाइल भी मौजूद थे उस मौक़े पर ख़ुब हजतल सुनने वाले लेकिन चूँकि सबसे बड़ा कबीला यही था और ख़ाना कह का मुतवली होने की बिना पर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और अहतराम भी नहीं की थी इसलिए उन्हें बतौर मिसाल रसूल ला सल्लल्लाहु अलैहि वम ने हमारे सामने पेश किया तो जो रसूल अपने ख़ानदान अपने कबीले ख़ाना कह के मुतवली सरज़मी हिजाज़ में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त रखने वाले कबीले और बिरदरी और कौम को ये बात कह रहे हैं कि जिनकी ज़बान को अल्लाह ने पसंद किया जिनकी बातों को अल्लाह ने पसंद किया जिनके अंदर से रसूल ला ला की वेसत का शरफ़ उन्हें अता किया जब उनके बारे में अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो सबका तकबर और गुरूर की बात हुआ करती थी अपने आबाजाद की बिना पर अल्लाह रबुल्ज़त ने उसको ख़त्म कर दिया है अब किसी फ़र्द को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब हम इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे आबावाजदाद ये हुआ करते थे और हमारे आबावा अजदाद वह हुआ करते थे इसको रसूल अलैहि वसल्लम ने बड़े वाजे और ख़ूबसूरत तरीक़े से ख़त्म कर दिया कुरान की आयत को भी हमने बारह पढ़ा है और इसकी वजाहत भी की जा चुकी है कि सब कबीले सारी बिरदरियाँ सारी कौमें सारी ज़बानें सारे इलाक़े सारे रंग सब के सब महज़ पहचान का एक जरिया हैं इसके सिवा इसकी कोई है, हकीकत और हैसियत नहीं है हाँ इन तमाम कबीलों बिरदरीों में से तमाम रंगो नस्ल में से अगर कोई काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला और अल्लाह और उसके रसूल की इतात करने वाला होगा रसूल रहामत आसलाम इर्शाद फरमाते हैं कि अला फला तर्ज उबादुल्ला जान लो कि मेरे बाद गुमराही के रास्ते पर मत चलना गुमराह मत हो जाना एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज मिलते हैं कि अला फला तर्ज उबादी कुफ़ारा ऐ लोगो मेरे बात काफिर मत हो जाना ना शिक्र मत हो जाना यकद रिकाबा बादिन और इस गुमराही की बिना पर ना शुक्री की बिना पर और कुफ्र की बिना पर कहीं तुम आपस में एक दूसरे की गर्दनें ना काटने लगो गोया के ईमान वालों को आपस में एक दूसरे का गला काटने एक दूसरे को कत्ल करने से बहुत शिद्दत के साथ मना किया गया और बिल्कुल अंदाज में अपने मौजूदा हालात के मुताबिक जो भी फितना और फसाद फैलाने वाले जो भी क़त्ल और खून रेजी करने वाले अफराद हैं रसूल्ला सल्ला वम के फरमान के मुताबिक या तो वो गुमराह हैं या वो ला तमत की नाशुक्री कर रहे हैं और या फिर वो कुफ़र के रास्ते पर चल रहे हैं इन तीनों कैफियात में से किसी एक कैफियत में वो लोग मुबतला हैं जो आपस में बाहमी शर्र फसाद और कत्ल वारत गरी का बाजार गर्म किए हुए हैं इस वजह से अल्लाह रबालज़त ने रसूल्लाह के ज़रिए से हमें ये बात पहुँचाई रसूल्ला का फरमान बहुत वाजे है कि जान लो मेरे बाद यानी रसूल्ला सलम की इस दुनिया से रुपोश हो जाने के बाद इंतकाल के बाद तुम आपस में एक दूसरे की गर्दन और गला न काटने लगना फिर फरमाया कि फमन क्या अमानत फल तमन जान लो कि जिसके पास कोई अमानत है तो वमानत को साहिब माल के पास जिसकी वो अमानत है उसके पास उसे सब हवाले कर देना चाहिए पहुंचा देना चाहिए गोया कि अमीन होना ये मुसलमानों की अलामतों में से अहले ईमान की निशानियों में से एक बहुत अजीम शान निशानी बताई गई वो वह अमानत जो माल दौलत की सूरत में इंसान किसी दूसरे बंदे से लेकर अपने पास रखता है या कोई दूसरा बंदा अपने किसी भाई के पास अपनी दौलत पहुंचा देता है कि इसको कुछ वक्त के लिए अपने पास रखो या फिर कोई इख्तियार कोई अहदा कोई ज़िम्मेदारी किसी के सपुरद की जाती है वो भी सब अमानत के ज़ुमर में आता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जिसके पास कोई अमानत हो उसे चाहिए कि उस अमानत का ख्याल रखे उसका पास रखे उस अमानत में खयानत मत करे और सामी नगरामी हम यकीन उसी मरज़ में मुब्तला हैं जिस मरज़ की निशानदही ने वसमशात फरमाई कि वो अफराद का माल हो जमातों का माल हो इलाक़ों का माल हो या कौम और मुल्क का माल हो ये की तरफ़ से अमानतों की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और हम में से एक बहुत बड़ी तादाद में क़ायदीन ने ज़िम्मेदारान ने अब इख्तियार ने उस अमानत में ख़यानत की अल्ला के रसूल सल्ला वसम ने सख्ती से मना किया था अल्लाह ने भी सख्ती से मना किया था कि नहीं अमानत है तो फिर उसकी पासदारी होनी चाहिए उसका ख्याल रखना चाहिए और एक बंदा अपने आप को मोमिन मुस्लिम कहता है और फिर वो उस अमानत का ख्याल नहीं रखता तो गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है वह तमाम नाम जो जबान जद आम हैं जो लिखे जा रहे हैं जो बोले जा रहे हैं जो कहे जा रहे हैं और वो तमाम नाम के जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं जिनके बारे में कोई फहरिस्त नहीं छप सकी और वो किसी ख़ास लिस्ट में नहीं दर्ज हो सके वो नाम लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो नाम भी लिखे हुए मौजूद है इसलिए कि वो खबीर ज़ात है और उसका जो जासूसी का निज़ाम है वो बहुत ही ताकतवर मजबूत दीक़ और एक एक पल की खबर रखने वाला और पूरी गवाहियों के साथ उसका अहतमाम किया जाता है इसलिए हम सबको ये बात बताई जा रही है कि अमानत है तो फिर उसका ख्याल रखना चाहिए चाहे वो माल और पैसे की शक्ल में हो या चाहे वो मनसब और इख्तियार की शक्ल में हो कौम और मुल्क की जिम्मेदारी अगर है तो फिर उसका ख्याल रखना लाजमी है क्योंकि उसके बारे में क़्यामत के रोज़ पूछा जाएगा अमा ने जो बात कही थी आप में से हर शख्स उस बात को मेरा ख्याल है कि जानता है क्योंकि का ये शेर ज़बान जद आम है हम अक्सर मजालस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और सुनाते आ रहे हैं लेकिन है ये बहुत अहम क्योंकि क़ुरान मजीद की तालीमत का निचोड़ है ये रसूल सल्हलम की तलीमत का ये एक ख़ुलासा है अलामा ने ये बात कही थी कि सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमाम, इमामत का और यहाँ मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था दोबारा इसको दोहराता हूँ कि यहाँ अल्लाब अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक रसूल अलैहि ला वसम की तालीम के मुताबिक ने जो बात कही है उसमें फिर काबिल गौर हैं सबक फिर पढ़ सदाक़त का अदालत का और शिजात का